अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बायोलॉजी ऑफ क्लास 10th एंड टुडे माय टॉपिक इज निमोनिया। बेसिकली निमोनिया इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स एंड इफ द इन्फेक्शन इफेक्ट्स बोथ द लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। और ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द बैक्टेरियम विच इज़ नोन एज अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, सम वायरस, और इट मे बी द फंगल इन्फेक्शन। अब होता क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है कि वेन एवर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जो कि यहाँ पे निमोनिया कॉज करता है, ये एल्वोलाई में एंटर होता है, दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर, और उसकी वजह से क्या होता है, द दे ब्रेक द लंग्स टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस। और उसके सिम्टम्स क्या है, कोल्ड, हाई फीवर, शिवरिंग, मतलब बॉडी जो है वो पूरी शिवरिंग शुरू हो जाती है, एंड द कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, and patient may become short of breath and the patient's skin color may change and become dusky or purplish and aur iski jo preventive measures kya hain ki iske liye kuch antibiotics hoti hain jo jisse is pneumonia ki jo treatment wo ki ja sakti hai। second one please look at the page number 12 aur second one yahan pe aa jata hai asthma। it is a form of allergy। ये क्या है, ये एलर्जी की फॉर्म है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पर्संस में डिफरेंट होते हैं। और इसमें होता है क्या, इट इज़ आल्सो ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोनकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नर्विंग ऑफ द एयर पैसेज वे। और इसमें जो कुछ जो पेशेंट्स होते हैं दे बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। एलर्जेंस मीन्स टू से द एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, इट मे बी द डस्ट, स्मॉग, परफ्यूम, पोलन्स, अंडरस्टैंड। उसके सिम्टम्स क्या हैं, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट द मेजर सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग साउंड, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसमें यह है कि कुछ केमिकल्स हैं जो कि ब्रोनकाई और ब्रोनकियोल्स को डायलेट कर देते हैं, वो इसमें यूज किए जाते हैं। और उसके अलावा जो ये मेडिसिन है, इट इज़ दीज मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स।